ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक लालची सरदार की हुकूमत चलती है जो अपनी प्रजा के खजाने को हासिल करना चाहता है। क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? जमाने की बात है जब लोग नियम कानून नहीं मानते थे और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत पर यकीन करते थे। उसी जमाने में एक छोटे से शहर पर गुंडों के एक गैंग का राज था। वो किसी की भी जेब से पैसे छीन लेते या औरत की आंखों से काजल चुरा लेते। मैं आपको एक चोर और एक खजाने की कहानी सुनाने वाला हूँ। उन सबके बीच रहता था एक जीता जागता शैतान। एक पुरानी अरब कहावत है, जीत या मौत। किसी ने एक बार पूछा कि इस कहावत का मतलब क्या है, तो उसने जवाब दिया, हमें सबसे बड़े खजाने पर नजर रखनी चाहिए, उस तिजोरी पर जिसके अंदर पूरे शहर का पैसा छिपा रखा है। ये तो जैकपॉट है दोस्त। नीचे सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। तारीख कहाँ पर है? रुको सब लोग, पैसे मिले कि नहीं? जाओ तारीख की मदद करो, मैं बाहर जाकर कार तैयार करता हूँ। नहीं कर पाओगे। क्यों? चाबियां ये लो। डार्बी, ये जैकपॉट है। तुम्हें उसे चाबियां देने ही नहीं चाहिए थी। क्यों दी? क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था। भरोसा? हम किसी पर भरोसा नहीं करते, समझा? सामने देखो। कुचल दो साले को। चलाते रहो।
गाड़ी क्यों रोक दी तूने? चलाते रहो। ये कौन सा गांव है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी खोपड़ी चटका दूंगा। अब पैसे दे मेरे। अमीर, मेरे पैसे। इन बालों पर तो जां कुर्बान। थोड़ा पानी देना। यहां पानी नहीं है। तो शराब ही दे दो। हम शराब नहीं बेचते। कम से कम टिप तो दे दो। या वो भी अब बताना पड़ेगा। कुछ ले लिए हैं। कितने पैसे हुए तुम्हारे?
मेरी तरफ से है। संतरे बेचने वाला इतना दरिया दिल। अपना बैग दो मुझे। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पकड़ो उसे। संतरे बेचने वाला। ए, आप किसे लेकर आ गए? और जगह नहीं है यहां। चुप हो जाओ। तो अब हम क्या करें? इसे दूसरी कोठरी में डाल दें? दिमाग खराब है क्या? बाजू वाले में बुढ़ा है, अगर सरकन को पता लगा तो हमारा काम तमाम। क्या सरकन? उसके अंदर कितने लोग हैं? 50 या 60 या 70। उन्हें कुछ खाने को मिला है? हम लोग भेड़ बकरी नहीं है, समझे तुम? चुप हो जाओ। हमारे साथ ऐसा बर्ताव करना बंद करो। इसे शरकन के पास वाली कोठरी में रख देते हैं, थोड़ी चर्बी कम हो जाएगी। चलो अंदर।
हमारा सिपाही आ गया है। बहुत ज्यादा ही इंतजार करना पड़ा। पिछली बार जिसे बुलाया वो आज तक नहीं आया, तो जश्न मनाते हैं? क्या शरकन उसे कैद कर चुका है? ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर एल कटाल ने शरकन को बता दिया कि उसकी होने वाली बीवी ने उसे बुलाया है तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अच्छा होगा कि शरकन उसे जल्दी ठिकाने लगा दे, समझ गई तुम? तुम बहुत बड़े डरपोक हो। उसे ठिकाने नहीं लगा सकते, उसे बाहर निकालना होगा। नहीं, कोई नहीं निकाल सकता। मेरे अब्बू निकाल सकते हैं। उनकी तो बात ही अलग थी, उनके जैसा सरदार तो आज तक कोई नहीं हुआ, ना ही उनके जितना कोई काबिल भी है। वो जानते थे कि कब क्या करना है। हम तो बस छोटे मोटे सौदागर हैं, हम गुंडों का क्या बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके पास तो खोने को कुछ भी नहीं है। वो गुंडे यहाँ नियम बनाते हैं और आप जैसे उन्हें टैक्स देते हैं, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। लेकिन कैसे? हम तो तुम्हारी तरह शरकन के करीब भी नहीं जा सकते हैं। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस शादी के लिए पैसे भी नहीं देना चाहता जिसमें मुझे बुलाया नहीं जाएगा। लगी है? हाँ, लेकिन इतनी नहीं कि भेड़ की मुंडी खा लूं। आपकी तारीफ? मेरा नाम शाहीन है, मैं काफी समय से यहीं कैद हूं। हम एक सौदा कर सकते हैं। आमिर ने हमारे पैसे चुराए हैं, अगर तुम उसे हमारे हवाले कर दो तो हम आधा आधा बांट लेंगे। क्या? हम आधा आधा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम। 15% से काम चलेगा? सारे पैसे रख लो, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए पैसे। 20%, मैं तुम्हें 35% दूंगा। अपने बॉस को बुलाओ, हम उनसे ही बात कर लेंगे इस बारे में। हाँ, वही अच्छा रहेगा। आपको इतनी सुविधा क्यों दे रहे हैं? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूं। आज तक मेरे आसपास किसी को नहीं रखा गया। मेरा नाम आमिर है, मैं यहां आया तो उन्होंने मेरे पैसे छीन लिए। वैसे किसने मुझे कैद करवाया है? उसका नाम शरकन है, वो रेगिस्तान के सबसे शक्तिशाली कबीले सैफ अल मुसाफिरिन का एक बहादुर योद्धा था। मुझे तो वो कमीना लगता है। हां, सबको यही लगता है। इस कबीले की परंपरा है कि सरदार अपने सबसे काबिल योद्धा को ही अपना वारिस बनाता है। शरकन में भी वो सारी खूबियां थी, मगर उसकी लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। जब सरदार ने उससे कहा कि वो कभी भी कबीले का सरदार नहीं बनेगा, तो उसकी जिंदगी बदल गई और उसने सरदार का ही काम तमाम कर दिया। आप उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं ही इस कबीले का सरदार हूं। फिर आपको यहां क्यों कैद करके रखा है? क्योंकि उसे जो चाहिए उसका राज सिर्फ मैं जानता हूं। सिर्फ मुझे मालूम है कि कबीले का खजाना कहां छिपा है। आइडा आई है, क्या करूं? अंदर भेज दो।
मैंने एक अजनबी को देखा है। पसंद आ गया क्या? वैसे वो दिखता तो अच्छा है। एक मामूली चोर है। तो उसे मारा नहीं? जेल में डाल दिया है। सुना है उसने काफी हंगामा मचाया था। तुम्हारा कोई भी आदमी उसके सामने टिक नहीं पाया, उसका मुकाबला नहीं कर पाया। मैं उसे देखना चाहती हूँ। और उसकी कोई खास वजह? अपनी होने वाली बीवी पर भरोसा नहीं है क्या? तुम जेल के आसपास भी मत जाना। वो हसीन लड़कियों के लायक जगह नहीं है। वैसे तुम उस अजनबी को जानती हो क्या? रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। जबरदस्ती भी कर सकता था, लेकिन अब तो मैं तुम्हें छू सकता हूं। अब तुम मेरी बन सकती हो। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक तुम मेरी बीवी नहीं बनती, गांव वालों के साथ ही रहो। उनके पास जाओ और अब उन्हें अलविदा कहने की तैयारी शुरू कर दो। सुनो, मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। हमें बस सरहद पार जाना है। लड़ाई झगड़ा मैं भी नहीं चाहता। तुम्हारे ऊंटों पर लदा सामान मेरे लिए बहुत कम है। मगर सैफ अल मुसाफिरिन ने हमें कभी नहीं रोका। तो लड़ाई करनी ही पड़ेगी। Yeah.
तुम्हारा सैफ अल मुसाफिरीन कहां है? हमारी निशानियां छोड़ दो। ये सब नकली हैं। साले बेईमान कहीं के। अब शाहीन से बात करनी होगी। अपना दमखम बचा कर रखो, यहां से कोई जिंदा नहीं जा पाया है। वैसे ये जेल बुरी नहीं है, पर मैं यहां ज्यादा वक्त रहूंगा नहीं। हौसले वाले लगते हो, अगर यहां से निकल पाए तो मेरे लोगों से कह देना कि मैं जिंदा हूं। माफ कीजिए, लेकिन मैं आपके कोई काम नहीं आऊंगा। मैं वैसा इंसान नहीं हूं, मैं बस एक लुटेरा हूं। मुझे यहां से अपने पैसे वापस चाहिए और कार लेकर मैं यहां से निकल जाऊंगा। आपके लिए यही अच्छा है कि आप मुझसे कोई उम्मीद ना रखें। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अपने पैसे लेने के लिए तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। शरकन आ रहे हैं, शरकन आ रहे हैं, शरकन आ गए हैं। अरे तुम क्या खाने में लगे हुए हो, चलो अब उठ जाओ। शरकन आ रहे हैं, शरकन आ रहे हैं, अब जल्दी से यहां निकलो और खाना पीना छोड़ो। माफ कीजिएगा हुजूर, आइए आइए हुजूर। हे जल्दी करो। आइए सरकार, आपके लिए तैयार है। सुलह के लिए तैयार हो जिद्दी बुड्ढे? अपनी शादी पर तुम्हारी बेटी तुम्हें जरूर देखना चाहेगी। क्या लगता है तुम्हें, इस हाल में देखकर मुझे अच्छा लगता है? से तुमसे बात करने की सोच रहा था, लेकिन आज समझा कि कोई फायदा नहीं। तुम तो बात करते ही नहीं। शाहीन,
शरकन, जिस दिन मैंने अपना राज बता दिया तुम उसके गुलाम बन जाओगे। तुम दौलत के गुलाम बनना चाहते हो? अलविदा नहीं कहता। तुमने शाहीन से बात की थी?
अजीज, तुमने उसे मार क्यों नहीं दिया? मुझे यहां से बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। आओ मेरे साथ। शरकन की कार। इसकी चाबी कहाँ है? क्या करना है अजीज? तुम बार बार मेरा गलत नाम ले रही हो। फिर क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आमिर है। चलो यही सही। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा आमिर। शरकन से कहना मैं अपने पैसे लेने वापस आऊंगा।
बाहर आओ प्रिंसेस। दरवाजे को फिर से पहले जैसा बना दो। तुमने एक चोर को यह बताने भेजा है कि तुम जिंदा हो? मैं तो सोच रहा था कि तुम कोई बहुत बड़ी चाल चलोगे। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, इतना समझ लो कि उसे बस अपने पैसों की पड़ी है, लेकिन गांव पहुंचने से पहले ही वो मारा जाएगा। जो किसी काम का नहीं होता वही काम का साबित होता है, वैसे ही जैसे सबसे काबिल इंसान सबसे बुरा हो जाता है। अपने कबीले की हिफाजत का झांसा देकर तुमने उन सबको गुंडा बना दिया। मैं सबसे अच्छा सरदार बन सकता था। अब वो राज बता दो शाहीन, वरना तुम्हारे कबीले को खत्म कर दूंगा। भाई है वो तुम्हारे। तो मुझे सैफ अल मुसाफरीन कबीले तक पहुंचा सकती हो? क्यों, उनसे क्यों मिलना चाहते हो? मुझे उनसे एक सौदा करना है। मैंने तुम्हारी जान बचाई, मेरा भी एक काम कर दो। मैं शरगन से शादी करने वाली हूँ, मगर तुम्हारा एहसान भी चुकाना है। उससे शादी मत करो, मैं मुफ्त में सलाह दे रहा हूँ, मान लो। अपने दिमाग में एक बात अच्छी तरह से बैठा लो कि रेगिस्तान में रातें खतरनाक होती हैं। तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। फिर किराए के कातिल को क्यों बुलाया जो कभी आया ही नहीं? दो को बुलाया था, मैं चाहती थी कि गांव वाले खुद ही इस मुसीबत से निपटे। हाँ जानता हूं, पर वो शरकन से डरते हैं। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम नहीं डरते। मैं किसी से नहीं डरता। तो तुम एक ईमानदार चोर हो। मैं अब सोने जा रहा हूं। बता मुझे कहाँ छुपा है तू? चूहे की तरह बिल में क्यों छुपता है? मैं कहता हूं जल्दी से बाहर आ। देख तुझसे मिलने कौन आया है। मैं आज तेरी बोटी बोटी करके बाहर चील कौओं को खिला दूंगा। बाहर निकल, जहां छुपा है आ जा। आज तुझे दिखाता हूं कि मेरे घूसों में कितना दम है। शरकन कहाँ है, कहाँ छुप गया? बाहर निकलेगा या नहीं? कहाँ गया?
ओए ओए ओ ओ ओ ओ ओ क्या हम पहले मिले हैं? मैं अजीज अल कतल हूँ, 103 गैंग का सरदार, दुनिया का सबसे खतरनाक कातिल। ओके, क्या तुम्हें पता है कि कन्यामखन गांव कहाँ है? कन्यामखन की बात कर रहे हो? हाँ, अच्छी तरह से पता है, लुटेरों और गुंडों का गांव है। तुम्हारे पास सिगरेट है? नहीं, ये है। अच्छी खुशबू है। मुझे बता दो गांव कहाँ है, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। ठीक है। वो रेत का टीला देख रहे हो? अरे वही जो बाई तरफ दिख रहा है, देखो उसी के पीछे है कन्यामखन गांव। लगता है समझ गए। इसे अपने पास ही रख लो। ए, यहाँ आओ। अरे मुझे बाहर निकालो, तुमने वादा किया था ना, यहाँ आओ। देखो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ए, यहाँ आओ। ए, सिगरेट तो मजेदार है वैसे। सरकार ने तुम्हें क्यों भेजा है? यहाँ चुराने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे किसी ने नहीं भेजा है। ये उसी के घोड़े। आयदा? नसीम। शरकान इस कबीले का सबसे काबिल योद्धा था। हमारे सरदार के पास एक ऐसा राज है जिसे वो सिर्फ अपने वारिस को ही बताते हैं। हम सबको लगा था कि शरकान ही हमारा सरदार बनेगा और शाहीन ने अपनी इकलौती बेटी आयदा की हिफाजत की जिम्मेदारी उसे दे दी थी। शाहीन शरकान को रेगिस्तान में वो राज बताने भी ले गए, मगर उस रोज़ बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई। नदी पार करते समय वो कीचड़ में डूब गए। शरकान बच निकला। शाहीन को लगा गलती उनकी है और वो अपने कबीले को छोड़कर कन्यामाकन में रहने लगे। आयदा उसकी हिफाजत में थी, इसलिए वो भी चली गई। उसके बाद से हमारा कबीला पहले जैसा नहीं रहा। शरकान बदल गया और वो रेगिस्तान से गुजरने वाले हर मुसाफिर की मौत की वजह बन गया। अब तक उसने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। वो हर हाल में शाहीन से खजाने की चाबी पाना चाहता है, जबकि शाहीन खजाने को उससे बचाकर रखना चाहते हैं। बहुत बुरा हुआ। तुम हमारे कबीले की बदनसीबी का मजाक उड़ा रहे हो। हाकिम, शरकान ने झूठ बोला था, शाहीन जिंदा है। तुम उनसे कहां मिले? वो चाहते थे कि मैं आपको बताऊं कि वो जिंदा है। मैंने अपना वादा पूरा किया। और भी बातें कही हैं, लेकिन सही वक्त आने पर मैं आपको बताऊंगा।
और हाँ, पैसे भी चाहिए। तुम्हें पैसे चाहिए? तुम सचमुच कुछ और भी जानते हो? मोमो, ये कह रहा था कि तुम लोग मेरे पैसे दिलवाने में मेरी मदद करोगे। देर करो। रुको, मेरी पूरी बात तो सुनो। चरकन मेरा पैसा ले गया, मैं उसकी बात कर रहा था। शाहिन ने बताया था कि वारिस कबीले का ही कोई इंसान हो सकता है। उन्होंने खास कपड़े पहने थे और वो किसी विद्वान की तरह बात कर रहे थे। उन्होंने अपने गले में एक तावीज पहना था। मैंने सोचा बैंक लूटूंगा, पैसा मिलेगा, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन कहां आकर फंस गया। तुम्हें क्या लगता है तुम चारों इन मशकों के सहारे शाहिन को आजाद करवा लोगे? हम गांव के अंदर जाएंगे, फिर तुम हमें शाहिन की कोठरी दिखा देना। ये काम इतना आसान नहीं है दोस्तों। तुम लोग अभी दिमाग से नहीं, दिल से सोच रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि उस गांव के चारों तरफ सख्त पहरा है? क्या तुमने कुछ सोचा इसके बारे में कि इन तलवारों के साथ तुम उनका मुकाबला करने चले हो? तुम कौन हो? अजीज किराए का कातिल? नहीं, बकवास बंद करो। हाँ, कैसे सो मैं? दूसरा जुनूनी। पहला तो आज तक आया ही नहीं और अब हम उसका इंतजार भी नहीं करेंगे। बताओ मिशन क्या है? अपने सरदार को आजाद करवाना। अच्छा, मैं मदद कर सकता हूँ लेकिन मैं तुम लोगों की मदद नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हें उसके पैसे मिलेंगे। सरदार को मुफ्त में नहीं छुड़ाते।
ये सब हम घर जाकर करेंगे तो अच्छा होगा। सही कहा। आखिरी बार छूकर महसूस करना चाहता हूं। मैं आज तुम्हें हजार साल पुराना राज बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इस बात को हमेशा याद रखना। आमिर, मेरी बात सुनो। सादगी सबसे बड़ा खजाना है। अब तुम चोर नहीं रहे, तुम मेरे कबीले के सरदार हो। अब मेरी जिम्मेदारियां तुम्हारी हो गई आमिर। किसे बताया था? शरकन, कम से कम जनाजे की इज्जत तो कर लो। तुम्हें बताया था, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें हमारी परंपरा का पालन करना होगा। वो मेरी परंपरा नहीं है। मगर शाहीन ने तुम्हें कबीले का सरदार बनाया है, इसलिए यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो मेरी परेशानी नहीं है। उनके पास कोई चारा नहीं था। मैं खजाना दे दूंगा, लेकिन उसमें से मुझे अपना पैसा चाहिए और उसके बाद मैं चला जाऊंगा।
तुम हमारे सरदार की कब्र पर सौदा कर रहे हो? हाकिम, अगर तुम उसे मार डालोगे तो ना खजाना रहेगा ना आयदा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अभी तो सिर्फ सरदार गया है, अगर मेरी मदद नहीं की ना तो कोई नहीं बचेगा। आमिर। कैसियस, कहाँ गए हो तुम? अफ्रीका। तो आमिर बताओ मुझे, इनके साथ क्या कर रहे हो? क्या कहूं, बहुत लंबी कहानी है। शरकन ने मेरे पैसे छीन लिए जो मुझे वापस चाहिए। और तुम अपने पैसों के लिए रेगिस्तान में भटक रहे हो? शरकन यहाँ पे आए हैं, हमारे लिए कितनी बड़ी शान की बात है। आइए आइए। अरे गाना बजाओ, सरकार आए हैं, गाना बजाओ जल्दी जल्दी। आइए आइए, मैं अभी आपको ठंडी बियर पिलाता हूं। नहीं नहीं, रहने दीजिए, ये मेरी तरफ से है, रहने दीजिए। कहाँ है मेरे अब्बू? अपने कबीले के साथ भाग गए। वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते। मैंने खजाने के बदले तुम्हारा सौदा करना चाहा और उन्होंने खजाने को चुना। वो मुझे लेने यहां जरूर आएंगे। सच सामने आ गया है, तुम्हारा अंत बहुत करीब है। तुम्हारे बाप के लिए तुमसे ज्यादा जरूरी वो खजाना है। आज सिर्फ मैं ही बचा हूं जिसकी तुम में कोई दिलचस्पी है। वो गांव देख रहे हो? वो गांव किसी गुफा से कम नहीं है, वहां किसी को कोई कमी नहीं होगी। सुनसु कहते थे, जब दुश्मन दमदार हो तब सही मौके का इंतजार करो। यहां कौन सा मौका मिलेगा? मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। उड़ते परिंदे भी ध्यान भटका सकते हैं, यहां बादल भी छा सकते हैं, और तब तुम हमला करो, लेकिन बाधाएं भी आएंगी। इन्हें रख लो। ये लो,
मैं कुछ समझा नहीं, मुझे सबसे छोटी गन क्यों दी? साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उसके सही इस्तेमाल से। عزیز القتل، تو یہ ہے عزیز؟ कहाँ है तू? किस बिल में छुपा है? बाहर आ और बता क्या करना है। क्या हो गया? डर के मारे बाहर भी नहीं निकल रहा है, हाँ? क्या हो गया? रुको, अभी तुम्हें मेरा कमाल दिखाता हूं। क्या हुआ, देख के डर गए? आ जाओ ना, तैयार हो? हाँ। तैयार हो? हम तैयार हैं। जाओ और जल्दी से मेरे सामने उस शर्कन को ले आओ, मैं आज उसे काट डालूंगा। जल्दी यहां से निकलना होगा। और आइडा, पहले हमें चाबी चाहिए। हाँ,
आमिर, तुम्हारी गन। पहन रखा है, मतलब तुम्हारा दिल साफ है। आओ मेरे साथ। मुझे खुशी है कि तुम इस कमरे में आए। काफी वक्त हो गया कोई सरदार नहीं बना है। अगर सरदार नहीं बदलेगा तो इन चाबियों का क्या होगा? यह खजाना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ये चाबियां सिर्फ सजावट का सामान बनकर रह जाएंगी। अब चाबी तुम्हारे पास है तो शाहीन के भरोसे को मत तोड़ना। चाबी मिल गई। चलो अब तुम ही हमें उस खजाने तक पहुंचाओगे भी। सुनजू ने इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं था। क्या मुझे अब इससे मुकाबला करना पड़ेगा?
क्या बात है, सब बार में ही आ रहे हैं। वो आ रहे हैं। आईडा को ले आओ। शाहीन का साथ देने वालों को यही अंजाम होगा। अब हथियार डाल दो वरना मैं इस बार को कब्रिस्तान बना दूंगा। देखो तुम्हारे कबीले का क्या अंजाम होने वाला है। वो अतीत है, मैं भविष्य हूं। अब इसका क्या उपाय है? मौके का फायदा उठाने के उपाय तो हमेशा मिल जाते हैं। हथियार नीचे रखो। मैं सोच रहा था हारने वालों का साथ देना बेवकूफी होगी। देर कर दी, अब मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें कबीले का आधा खजाना दे सकता हूं। समझ नहीं आता कि शाहीन ने तुम जैसे धोखेबाज पर भरोसा कैसे कर लिया। वो उतने समझदार नहीं थे जितना सब समझते थे। मेरे साथ चलो, खजाना बांट लेते हैं। तुम सुन रही हो ना? तुम्हारे महान शाहीन ने इसे अपना वारिस चुना था। इतनी साल की मेहनत का मुझे ये सिला मिला है। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा। कोई नहीं बचना चाहिए, इनसे मैं बाद में निपटूंगा। इसे ले जाओ। आगे देखो।
आज तक मैंने बस इसी के सपने देखे। कबीले वाले भूखे मर रहे थे जबकि उनके पास इतनी दौलत थी। जिन सन की बुड्ढों ने हमारे ऊपर कई सौ साल तक राज किया वो इसका इस्तेमाल सिर्फ बुरे वक्त के लिए करते थे। उन्हें लगता था कबीले वाले लालची हो जाएंगे और आराम की जिंदगी बिताना चाहेंगे। वो इस दौलत के दम पर अपनी सल्तनत नहीं बढ़ाना चाहते थे। शाहीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतनी बड़ी गलती भी नहीं की। तुम्हारा दिमाग खराब है जो उन बंजारों के लिए मुझसे लड़ रहे हो? क्या तुम्हें पूरा खजाना चाहिए? क्यों अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? इस तरह
रेत के उस टीले के पास एक जेल में उस लुटेरे की जिंदगी बदल गई। क्या वो शाहीन या शरकंद से बेहतर सरदार बन पाएगा? आखिरकार शाहीन, शरकंद या आमिर थे तो इंसान ही, और उनमें भी खूबियां और खामियां थीं। किसी इंसान को जो बात अच्छा या बुरा राजा बनाती है वो ये है कि वो अपनी जनता के साथ कैसे पेश आता है। कहावत भी है कि कबीले का अच्छा सरदार बारिश में उपजाऊ जमीन से बेहतर होता है। इस कहानी का अंत सुनना है तो जेब ढीली कीजिए। आप भी जानना चाहते होंगे कि आमिर ने उस खजाने का क्या किया। मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे सिक्कों की खनक सुना दीजिए। चलिए पैसे निकालिए। मैं तो यही दुआ कर रहा हूं कि ऐदा और अमीर जिंदगी भर साथ खुश रहें, मगर सच तो यह है कि मैं भी नहीं जानता। गांव में अपना काम खत्म करने के बाद मैं अगले मिशन के लिए चल पड़ा, मगर मैं गलत दिशा में जा रहा था। Et même en plein désert, menace le nord.